भारत किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आज रामपुर पहुंचे और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में किसान सरकार के पास गया ही नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी में भी गन्ना भुगतान में किसान को दिक्कत आ रही। पिछले साल का भुगतान चीनी मिल अभी भी तक नहीं कर रही। उन्होंने मांग की सरकार को MSP एक्ट लागू करना चाहिए ताकि किसान को कुछ फायदे मिले और उसका माल सही दाम में बिक सके। रामपुर कार्यालय पर किसानों ने उनसे मुलाकात की। खासकर के जैसे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं तो गन्ने के भुगतान पे पिछले साल का भुगतान ही अब तक देने लग रहे हैं। कुछ फैक्ट्रियों ने दिया ही नहीं, उसका ब्याज भी है जो गन्ना एक्ट में है कि ब्याज देंगे, वो नहीं दिया। इस साल का भुगतान हमारा रुका हुआ है, वो नहीं दिया। तो पूर्ण रूप से बेलगाम है शुगर फैक्ट्रियाँ, उनके खिलाफ रोज हमारे धरने प्रदर्शन आंदोलन होते हैं। और सरकार अगर बातचीत नहीं मानेगी, सरकार अगर किसानों का काम नहीं करेगी तो जो अर्श ये 3 स्टेटों में हुआ है यही सरकार का होगा। तो आगे अभी दो राजस्थान में क्या हुआ, बाजरा 1900 रुपये पर क्विंटल, 1925 रुपये के करीब का वहाँ पर रेट है और बाजरा वहाँ 1300-1400 रुपये की खरीद हुई। तो जो 500-600 रुपया जो किसान को पर क्विंटल लॉस हुआ तो किसान गया ही नहीं सरकारों की तरफ। तो ये जो इनको देना चाहिए भावांतर, अगर मार्केट कम है और सरकारी रेट ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है वो सरकार को देना चाहिए। और एक कानून बने कि MSP से कम पे खरीद नहीं होगी, ये हमने भारत सरकार को कहा है कि देश में ये कानून बन जाए कि उससे कम पे खरीद होगी नहीं। तो जब तक ये कानून नहीं बनेगा देश के किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे भी 100-125 रुपये 30 रुपये क्विंटल गन्ने की खरीद यहाँ पर हो रही है तो पूर्ण रूप से अवैध खरीद है। शुगर फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पे हम पूरी अपनी टीम के साथ में और बाहर से भी लोगों को यहाँ पर लगाएंगे कि जो यह खरीद है यह पूर्ण रूप से बंद हो। शुगर फैक्ट्री पे ही गन्ना किसान का जाए जो रेस्ट सरकार का है।